सो गाइज यार, इससे पहले के जो स्ट्रेटेजी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जनरली क्या करता था, दो इंडिकेटर्स यूज करता था और एक ही ऑसिलेटर यूज करता था। लेकिन पिछले दो तीन वीडियो से गाइज आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल दो ऑसिलेटर्स का यूज कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, तो आज कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट और इसी तरीके की कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। गाइज ये जो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ये पहले मैं खुद से भी ट्राई करता हूँ और जब मुझे लगता है कि ये एनालिसिस रिजल्ट दे रही है, दरअसल इससे मैं कुछ वीआईपी सेशन भी करता हूँ लाइव टेस्टिंग करने के लिए रियल टाइम पे, अकेले नहीं काफ़ी लोगों के साथ में, तो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद ही मैं गाइज ये आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं मुद्दे की कि आज हम कौन कौन से ऑसिलेटर का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा टेक्निकल एनालिसिस वाले पोर्शन में और ये एक ऑसिलेटर का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज आप ध्यान रखना, आप दो ऑसिलेटर अपने चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, तो जिसमें एक हमारा रहेगा स्टोकेस्टिक आरएसआई, ये मेरा स्टोकेस्टिक आरएसआई हो गया, इसके साथ में गाइज मैं यूज करूंगा यहाँ पर आरएसआई। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि दो हमारे पास में ऑसिलेटर इंप्लीमेंट हो चुके हैं और गाइज बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका यूज आप अगर अच्छे तरीके से करोगे तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटर्स जो होंगे वो आपको मोमेंटम बताएंगे, लेट बताएंगे, जो भी करेंगे वो एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हमको रियल टाइम फ्रेम पे अच्छे ट्रेड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स हम लेकर के आएंगे चार्ट के ऊपर, एक जिगजैग और एक मैं लेकर के आऊँगा गाइस पैराबोलिक। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंट हो चुका है। अब कैसे यूज करके मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, क्या मेरी एनालिसिस होगी, क्या सोचोगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइस। सबसे पहले तो अगर आपके पास में ट्रेडिंग का कोई अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको $10,000 का डेमो बैलेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, फटाफट से जाकर के गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, अगर कोई होते हैं तो जो जरूरी लगते हैं। ठीक है, गिव अवेज, प्रोमो कोड्स, बोनसेस के अलावा आप मेरे सिग्नल्स को भी कॉपी कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आप ऐसे ही वीडियोस पसंद करते हो, ठीक है, जहां पर आपको नॉलेज मिले और उस नॉलेज का यूज़ करके आप कुछ प्रॉफिट को बुक कर पाओ, तो यार आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्टेंट भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आपके टाइम की वैल्यू करेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मैंने कुछ भी बना दिया और वो देखोगे तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा अगर आप ढंग से यूज़ करोगे तो। ठीक है, सो यहाँ पर अब मुद्दे की बात दूसरी। ठीक है, हमने इंडिकेटर्स तो इम्प्लीमेंट कर लिए, लेकिन अब हमको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग के लिए सबसे पहले ये लास्ट के जो दो इंडिकेटर्स हैं ये आपको देखने, जिगजैग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 10/5 पीरियड का, लेकिन हम इसको 5/5 रख लेंगे, आप इसको 6 भी रख सकते हो। तो चलो आज मैं 6 के साथ इसका ट्राई करता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्या मतलब है इसका 6 का 5 का, तो मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज ये 10 था, ठीक है, मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे गाइस, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, लेकिन ये एक टॉप है। ठीक है, सो ये 10 वैल्यू के साथ में अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो क्या होता है, आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने 6 किया, बाहर नोटिस करोगे आप तो पहले एक टॉप था, अब मेरा एक और टॉप बन गया, दो टॉप बन गया, और इसी का यूज़ करके हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे हमको, तो ये सेटिंग आपको रखनी है। इसके बाद जो हमने पैराबोलिक है वो पैराबोलिक के ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ से 0.04। सो अब मैंने इसको 4 कर लिया है। ठीक है, अब इसका क्या चेंजेस होगा, तो आप ये देखोगे अगर ये 2 रहता है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये एक ही डॉट है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक पैराबोलिक है, और अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, लाइक 4 कर देता हूँ, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो कि ये 3 डॉट्स हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 3 डॉट फॉर्म हो चुके हैं। सो गाइज ये कुछ कुछ सेटिंग है जिनका रिजल्ट मैं बहुत अच्छे तरीके से ले सकता हूँ, अगर जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं समझता हूँ वो सही तरीके से काम करता है तो। ठीक है, सो अब हमारी बारी है कि हम कुछ ट्रेडिंग करें। ठीक है, और ट्रेडिंग के साथ में फिर मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी बताऊँ कि क्या क्या एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं 15 सेकंड करता हूँ एक बार। ठीक है, और 15 सेकंड करने के बाद गाइज मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल ट्रेड्स
ओके नो कोड्स गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ एक एरर आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसमें हमारी एनालिसिस रहेगी और क्या हम सोचेंगे। सबसे पहले जो हमने दो ऑसिलेटर लगाए हैं, वो दोनों के ऑसिलेटर की कन्फर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट दो कन्फर्मेशन। तो दो कन्फर्मेशन सबसे पहले मेरी जो होगी स्टोकेस्टिक RSI, ये वाला नीचे वाला, ये 20 है, ठीक है, ये आपका 80 है। तो मैंने ट्रेड लगाया है अप डायरेक्शन का, और मैं आपको अप डायरेक्शन की कन्फर्मेशन का तरीका बताता हूँ। 20 के नीचे से ये दोनों लाइंस क्रॉस करके जब ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, इस मिडिल बैंड में, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ये एक बैंड हो गया, ये एक बैंड हो गया, तो ये बीच का जो एरिया हो गया, मैं इस बैंड की बात कर रहा हूँ, मिडिल बैंड की, ठीक है। तो 20 को क्रॉस करके जब दोनों लाइन मेरी ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएंगी और इनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस होगा, तो मुझे स्टोकेस्टिक RSI की कन्फर्मेशन मिल जाएगी। इन सिंपल तरीके से आप ये समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज, अब मुझे RSI की कन्फर्मेशन चाहिए, तो RSI की कन्फर्मेशन मुझे कैसे मिल सकती है गाइस? या तो ये RSI ओवरसोल्ड रीजन से इसमें एंट्री ले ले, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था RSI के वीडियो में। अगर आपको नहीं बताया मैं कौन से तरीके की बात कर रहा हूँ ओवरसोल्ड ओवरबॉट, सो आप YouTube चैनल के ऊपर जाओगे, लाइव सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RSI की दो वीडियोज मिलेंगी, डाइवर्जेंस और स्ट्रेटेजी, ठीक है, दोनों पार्ट आपको पूरी तरीके से समझने हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, और थोड़े से वेट के बाद गाइस, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो मैं ओके अगेन गाइस, कौन सा सेट मैंने खोल रखा है, अमेजोन मे बी शायद, विच वन, अमेजोन, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर श्योर ये मार्केट अप जाएगा, ये कभी कभी होता है। तो यहाँ पर देखो ये मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। सो एक कन्फर्मेशन मैंने आपको यहाँ से बता दी, एक आपको मैंने यहाँ से बता दी, दो कन्फर्मेशन आपको पता चल गई, तीसरी कन्फर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगर आपको लेना है तो ये मिडिल बैंड आपको देखना है, ठीक है, ये 50 पीरियड आपको मिडिल बैंड देखना है। अगर ये RSI लाइन यहाँ पर कहीं पर जा करके और यहाँ पर सपोर्ट एक बार ले लेती है, उसको टच करके ऊपर जाती है, तो गाइस ये तीसरी आपकी सॉलिड कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कब कब ट्रेड आपको नहीं लगाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये अप डायरेक्शन की ट्रेड की कन्फर्मेशन है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर हमको अगर अप डायरेक्शन में और स्ट्रॉन्गली ट्रेड लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो हमको यहाँ पर वो चाहिए, क्या चाहिए, दो हमको पैराबोलिक चाहिए। अगर एक ही पैराबोलिक डॉट बनाए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, हम थर्ड वाले पैराबोलिक पर ट्रेड करेंगे गाइस। और थर्ड वाला जो पैराबोलिक आपका होगा, लेट सपोज मार्केट ये डाउन आ रहा है, ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, मार्केट ये डाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये डाउन आ रहा है, एक डॉट बनाए और दो डॉट बनाए, जब ये थर्ड वाला बनना स्टार्ट होगा तो मैं इस थर्ड वाले पैराबोलिक पे ट्रेड लगा लूंगा, ठीक है। लेकिन इस थर्ड वाले पैराबोलिक के ऊपर जो कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ग्रीन होगी, अगर वो ग्रीन है, ये कन्फर्मेशन दोनों मिल गई हैं, ये भी मिल गया है, तो मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा लूंगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, इस कन्फ्यूजन आपका बहुत सिंपल सॉल्व हो सकता है, लाइक मैंने ये करेंसी अभी स्विच करी, तो आप तो कहोगे कि थर्ड वाले पे ट्रेड करना था, सर अब तो फोर्थ फिफ्थ ये सिक्स्थ बन गए, कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड आप थर्ड के बाद ही करो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पैराबोलिक फेक मोमेंटम आपको देता है शिफ्ट होने के लिए, ठीक है, वो पोजीशन आपके चेंज हो जब होती है, ठीक है, शिफ्टिंग, तो वो उसमें दिक्कत होती है। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल है, अप डायरेक्शन का ट्रेड आपको नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कम ऑन गाइस, यार अगर अभी तक आपको इतना नहीं पता है तो आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल के ऊपर हो, ठीक है, और आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जिगजैग को यूज़ किया है, एक दो, अगर मैं इन दो टॉप को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक मार्केट स्टक कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ रुका था, अब भी यहाँ रुका है, हो सकता है यहाँ पर भी रुके, तो रुकने के बाद देखो कैंडल वापस आ रही है, समझ रहे हो ना अब क्या हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इन डिटेल इन डेप्थ समझना है तो आप जाकर के समझो, ठीक है। यहाँ पर पैराबोलिक और कैंडल ओपनिंग प्राइस की डिस्टेंस भी गाइस मैटर करती है। तो चलो मैं आपको कुछ और ट्रेड्स लगा करके दिखाता हूँ, जिसके रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज यहां से अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाने के लिए कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है नियर बाय, इसने भी इंडिकेट कर दिया, इसने भी इंडिकेट कर दिया, लेकिन पैराबोलिक ऊपर है, ठीक है, या पैराबोलिक नीचे ही है, ठीक है, इसने भी आपको इंडिकेट कर दिया, ये आपका गलत सिग्नल दे रहा है। कहने का मतलब ये हो गया,
जाएगी, आइदर आपका जिगजैग आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई या पैराबोलिक। अगर जो कंडीशंस मैंने बताई हैं अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो आप उस पॉइंट के ऊपर ट्रेड मत करो, आपका लॉस हो सकता है। एक और जरूरी बात, एक मिनट का मार्केट रीड करके 1 से 2 मिनट का ही इन्वेस्टमेंट आप करो, ज्यादा का नहीं करो, ठीक है। ज्यादा का करने के लिए गाइज आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट का मार्केट रीड करो, ठीक है। सो 5 मिनट का मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो समझाने में, वीडियो बनाने में, फिर 5 मिनट का ट्रेड भी लगाने में वो बहुत लंबा सीन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एक अप डायरेक्शन के ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन डू, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, मार्केट रिजेक्शन लेकर के आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर ठीक है। सो गाइज आप यहाँ पर देखो कि मैंने एक बड़ा अमाउंट, ठीक है, $10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया है और सारा का सारा अमाउंट जो मैंने लगाया है वो अप डायरेक्शन में लगाया है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखनी है और ध्यान से समझनी है। सबसे पहली तो एक चीज़ कि ये आपका अगर ओवर वॉट में है, ठीक है, 80 के प्लस में है और इन दोनों की डिस्टेंस कम होती जा रही है, लाइक ये दोनों बिल्कुल स्टक कर गए हैं, तो इसका मतलब कि ये ट्रेड ही मेरा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्रॉस करके कभी भी नीचे आ सकता है जो आ भी रहा है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये आप तभी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि ये कंडीशन हो गई, ये भी मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया, जिगजैग भी है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पैराबोलिक भी है, तो सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ये मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाया। लेकिन आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी मुझे उतना अच्छा मौका मिल सकता है मार्केट से ट्रेड करने का, ठीक है, उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। अब इन दोनों की अगर डिस्टेंस बिल्कुल ही मिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रिस्क हो सकता है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जितना इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा उतना आपका बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा मार्केट स्ट्रॉन्गली जाएगा, वो विन कर गया वो अच्छी बात है लेकिन वो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। सो कुछ और ट्रेड्स में लगाने की कोशिश करूंगा गाइज, आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, जो कि आपको रखने चाहिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बूस्टअप करना चाहते हो मेरे साथ में, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर हम क्या कुछ ट्रेड्स कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मार्केट देखो एक सपोर्ट लेवल ले रहा है, ये आपको डाउन दे रहा है, ये आपको डाउन दे रहा है, पैराबोलिक डाउन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 मिनट का ट्रेड करूँगा गाइस और डाउन डायरेक्शन, सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। 2 मिनट का ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाया है, अब हम रिजल्ट का वेट करते हैं और एनालिसिस आप देख लो कितनी फास्ट मैंने करी है, ठीक है। फास्ट क्या करी है गाइज, ये अगर आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे आप अपने रियल अकाउंट से, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रियल अकाउंट के साथ में हो तो आप भी 2000 का ट्रेड लगाओ, किसने कहा, मैंने तो नहीं कहा। तो आप क्या कर सकते हो, $1 इन्वेस्ट करो यार, ठीक है, $1 के ट्रेड लगाओ, लेकिन उस $1 के ट्रेड लगाने से भी पहले, ठीक है, आप अपने इस कॉन्सेप्ट को डेमो में ट्राई करो, डेमो अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है ना, तो डेमो में ट्राई करो, ठीक है। सो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट क्या था, आप देखो RSI नीचे क्रॉस करके आया, इस 50 के आसपास जाकर के हल्का सा इसने रेजिस्टेंस लिया, अब रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है तो RSI मुझे सॉलिड डाउन डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा है, ये ऊपर से क्रॉस करके डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी सॉलिड दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेटेस्ट वाला मेरा सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। पैराबोलिक भी मेरे 3 ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं, तो तीसरे के बाद मैंने यहाँ पर लिया है। सो फॉर श्योर गाइज, अगर कोई बिग मूवमेंट एकदम से उछाल नहीं आता है तो हम ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं बैक टू बैक, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं, लाइक कि आप कितने मिनट का तो मार्केट देख रहे हो, ठीक है, और कितने मिनट की आप एनालिसिस कर रहे हो, मतलब कितने मिनट का ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि वो कितने मिनट का मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और कितने मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, और सीखने से कुछ नहीं होगा गाइस, अब आप ये वीडियो देखोगे इसको देखने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करो, पिछले मेरे 2-3-4 वीडियोस देखो, ठीक है, जहाँ पर कई बारी मैं RSI का यूज़ बता रहा हूँ, कई बारी मैंने आपको और भी इंडिकेटर्स का यूज़ बताया और कई बार बताया, ठीक है। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट को कंबाइन करोगे तो आप समझोगे कि ये चीज़ें हमको रिजल्ट देती हैं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो, तो ये देखो ये मेरा कौन सा अकाउंट है, USDT अकाउंट है, ये USD अकाउंट है, ये आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है, और हम ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं, USD में। अब ट्रेड्स में अगर मैं जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखो गाइस,
कितने कितने यहाँ पर आपके ट्रेड्स लग रहे हैं, ठीक है। सो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर टाइमिंग अगर नोट करते हो तो आज 10 जून को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखो जितने भी ट्रेड्स हमने लगाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अभी 100% प्रॉफिट के साथ में क्लोज हैं। सो गाइज ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको समझ में आया है कुछ भी तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे गाइज आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।